विज्ञापन कंपनी के मालिक से 46 लाख रुपए की ठगी करने वाले ठग को बजाज नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फरवरी माह में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोपी हुड़केश्वर निवासी रोहित माड़ेवार है। वह दावा करता है कि वह भाजपा भटके विमुक्त आघाड़ी का प्रदेश उपाध्यक्ष है, लेकिन भाजपा नेताओं ने उसके दावे का खंडन किया है। रोहित खुद को बड़ा समाज सेवक भी बताता है, साथ ही वह रोटी फाउंडेशन नामक संस्था चलाता है। दिनेश मारशेट्टीवार को फ्लैट के लिए कर्ज चाहिए था, उसकी माड़ेवार से पहचान हो गई। बैंक अधिकारियों से खुद की पहचान होना बताकर 4,50,00,000 रुपए का हाउसिंग लोन एक झटके में ही मंजूर कराने का उसने झांसा दिया। मारशेट्टीवार से उसने स्टैंप ड्यूटी व अन्य खर्चे के लिए 14,00,000 रुपए भी लिए। इसके बाद उसने 4.5 करोड़ का हाउसिंग लोन मंजूर होने का मूल डीडी देने की बजाय जेरोक्स दिया, साथ ही रजिस्ट्री होने की भी बात कही। इतना ही नहीं तो भरोसा है इसके लिए उसने 2 वकीलों को भी उसके पास ले गए, जिसे मारशेट्टीवार ने उन पर भरोसा कर एक नहीं बल्कि 3 फ्लैट की रजिस्ट्री की, जिसके लिए 32,00,000 की स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ी। इसके बाद रजिस्ट्री लेकर मारशेट्टीवार बैंक में पहुंचे, तब उन्हें ठगी होने की बात पता चली। तत्काल इसकी शिकायत उन्होंने बजाज नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। वह 2 दिन पूर्व ही पुलिस के हाथ लगा, जिसे 9 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। बुधवार को बजाज नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विठल सिंह राजपूत के पास 2 लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई। भाजपा के भटके विमुक्त आघाड़ी का प्रदेश उपाध्यक्ष होने का दावा वह करता था। इसके अलावा बड़े बड़े लोगों से पहचान होने का दिखावा कर लोगों को फंसाता था। इतना ही नहीं तो पूर्व मुख्यमंत्री दादा साहेब कन्नमवार का नाम भी वह उपयोग कर रहा था। उसे भाजपा ने आघाड़ी के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उसकी गतिविधियों का पता चलते ही उसे पद से हटा दिया गया। फेब्रुवारी 2022 मध्ये आमच्याकडे एक गुन्हा रजिस्टर झाला होता। फिर्यादी दिनेश मारशेट्टीवार यांनी तक्रार दिली होती की एक रोहित माडेवार नावाचा जो इसम आहे तो एक बँकेचा रिकव्हरी एजंट आहे आणि बँकेसोबत त्याचे चांगले संबंध असून तो एक मोठ्या रकमेचं लोन बँकेकडून करून देतो असं म्हणून त्याच्याकडून त्यांनी 15,00,000 रुपये घेतले होते। त्यावरून आमच्याकडे 420 भादवी प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला होता। हा आरोपी तेव्हापासून फरार होता, पण आता 5 सप्टेंबर रोजी तो आम्हाला मिळून आलेला आहे, त्याला अटक करण्यात आली आहे आणि आता सध्या तो 9 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडीमध्ये आहे आमच्याकडे। हा रोहित माडेवार एक पांढरपेशी गुन्हेगार आहे, चांगल्या गाड्यांमध्ये फिरणे, चांगले कपडे आणि स्वतःला एक कार्यकर्ता आहे असं लोकांना दाखवून देणे, आणि या दरम्यान तो बँकेचा रिकव्हरी एजंट असून अनेक बँकेशी त्याचे खूप चांगले संबंध आहे आणि मोठ्या रकमेचे तो लोन करून देतो असं तो लोकांना दाखवतो आणि असं भासवून त्या लोकांकडून त्या मोबदल्यामध्ये पैसे घेतो, परंतु कुठलाही तो लोन वगैरे करून देत नाही आणि त्यामध्ये लोकांची फसवणूक होते। आता माझ्याकडे गुन्ह्याच्या चौक तपासामध्ये असं दिसून येत आहे की त्यांनी या प्रकारे अनेक लोकांची फसवणूक केलेली आहे, त्याचे आम्ही रेकॉर्ड वगैरे चेक करत आहोत। एक ठाण्याला सुद्धा एक गुन्हा दाखल आहे, त्याच्यामध्ये फिर्यादी सुभाष राठोड म्हणून हे आहेत आणि ते पण पोलीस अर्थात त्यांचा ताबा घेणार आहेत। या त्याच्यामध्ये असं दिसून येते की अनेक लोकांची फसवणूक केलेली आहे। आता सध्या आरोपी आमच्याकडे अटकेत आहेत, तर ज्यांची अशी फसवणूक झाली असेल त्यांनी आमच्या संपर्क साधावा किंवा ज्या ठिकाणी गुन्हा दाखल असेल तिथला आम्ही त्या पोलिसांना ते कळवू। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।